नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। शी जिनपिंग की चाल केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खुद को चीन का सदाबहार मित्र कहने वाला पाकिस्तान भी उसके हर पैतरे का शिकार हो रहा है। यह अलग बात है कि पाकिस्तान चीनी कर्ज की बोझ की वजह से खामोश है, मगर स्थानीय जनता में चीन के खिलाफ भड़कता गुस्सा इस बात की तस्दीक करता है कि चीन आम पाकिस्तानियों में अपनी छवि खराब कर चुका है। यह चीनी दबाव का ही नतीजा था कि इमरान सरकार द्वारा चीनी एप्स बिगो लाइव पर लगाया गया बैन 2 दिन भी लागू नहीं रह सका और हाईकोर्ट के आदेश के बहाने फिर से उसे अनुमति दे दी है। पर इसी बीच एक चौंकाने वाले खुलासे ने इमरान की नींद उड़ा दी है। चीनी मामलों के एक्सपर्ट अली सलमान ने एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया है कि 2016 के बाद से ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग ने पाकिस्तान सरकार पर दबाव डाला कि सीपैक को लागू करने और मॉनिटर करने में योजना मंत्रालय की भूमिका को खत्म किया जाए, ऐसी अथॉरिटी बनाने को कहा जो संविधान से अलग हो और इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा उत्पादन को सीधे जिनपिंग के हाथों में सौंप दे। जिनपिंग के इस प्रस्ताव को तब खारिज कर दिया गया था, परंतु एक बार फिर पिछले साल इमरान खान के सामने से पेश किया गया। जिनपिंग के इस प्रस्ताव में इतनी बड़ी चालबाजी छुपी है जिसने पाकिस्तान के सत्ताधारियों में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल चीन बड़ी चालाकी से इमरान से योजना मंत्रालय की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने की चाल चल चुका है, जिसके बाद आगे चलकर पूरा देश अपने हाथों में लेना आसान होगा, क्योंकि योजना मंत्रालय चीन के अधिकार में आने के बाद पाकिस्तान में निवेश और घरेलू योजनाएं बिना चीन की अनुमति के आगे नहीं बढ़ सकेगी। विदेशों से पाकिस्तान में होने वाले निवेश पर भी चीन का सीधा नियंत्रण हो जाएगा, यानी पाकिस्तान में एक पुल बनाने के लिए भी चीन की स्वीकृति जरूरी होगी। अली सलमान की रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग की पेशकश से मंत्रालय के सीनियर ब्यूरोक्रेट आसानी से सी की स्कीम को समझकर उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ सभी सीक्रेट दस्तावेज लग सकते हैं। यूं भी पाकिस्तान के पीएम ने चीन की बिजली कंपनियों से समझौते की डिटेल देश से छुपाकर रखी है। ऐसे में पाकिस्तान हुक्मरानों के सभी कच्चे चिट्ठे ब्यूरोक्रेट सार्वजनिक कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये ब्यूरोक्रेट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, इसलिए जिनपिंग इन्हें रास्ते से हटाकर अपना काम आसान कर लेना चाहते हैं। पर अली सलमान ने अपनी रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार चाइना पाक आर्थिक गलियारा यानी सीपैक शुरू से ही संदेह के दायरे में रहा है। सीपैक का समझौता इतना ज्यादा सीक्रेट था कि इसे सीनेट स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस को भी दिखाने से मना कर दिया गया था। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे कितना गोपनीय रखा गया है। पिछले साल अक्टूबर में सीपैक अथॉरिटी बिना संसद की मंजूरी के राष्ट्रपति के अध्यादेश के साथ ही 4 महीने के लिए पास कर दी गई और 4 महीने का आगे विस्तार बढ़ा दिया गया, पर बावजूद इसके शी जिनपिंग सीपैक और योजना मंत्रालय पर अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं, ताकि इसे संविधान से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा सके। 4 महीने पहले ही एक जांच में पता चला कि पाकिस्तान में 2 बड़े कोयले के प्रोजेक्ट जो सीपैक के तहत बने थे उनमें गलत ब्याज दिखाकर भ्रष्टाचार किया गया था और करीब 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चूना लगाया गया था। इससे भी जिनपिंग के दिमाग में पाकिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का कीड़ा कुल मुलाया है। इसका मतलब यह है कि अगर सीपैक अथॉरिटी जिनपिंग के अंडर में आ जाएगी तो सीपैक से जुड़े हर पहलू की जिम्मेदारी उनके पास होगी। ऐसे में किसी भी अधिकारी यहां तक कि पाकिस्तान के पीएम या राष्ट्रपति तक के खिलाफ जांच करने या जुर्माना लगाने का अधिकार जिनपिंग के पास होगा। कोई शख्स अगर अथॉरिटी के निर्देशों को नजरअंदाज करेगा उस पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए जिनपिंग की महत्वाकांक्षा समझना भी जरूरी है। चीन के राष्ट्रपति के बारे में यह दावा मशहूर हो चुका है कि वह पूरी दुनिया पर चीन का राज चाहते हैं। उनकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना को इसी का हिस्सा माना जाता है। जिनपिंग अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए इसकी शुरुआत पाकिस्तान से ही करना चाहते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की सीमा चीन से लगती है। जिनपिंग बीजिंग में बैठकर आसानी से पाकिस्तान पर राज कर सकते हैं। जिनपिंग ने योजना मंत्रालय को अपने हाथ में लेने का जो दांव चला है उसकी बदौलत पाकिस्तान के लोकतांत्रिक और लोक सेवकों को हटाकर जिनपिंग देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर कब्जा जमाना चाहते हैं। वैसे भी आज के दिनांक में पाकिस्तान में चीन बेहद ताकतवर हो चुका है। उसमें इतनी कुव्वत है कि वह जब चाहे इस्लामाबाद में तख्तापलट करवा सकता है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान को तबेले में तब्दील करने के बाद भी अगर इमरान की कुर्सी बची है तो वह जिनपिंग के आशीर्वाद की बदौलत है।
परंतु इमरान तभी तक पाक के पीएम रह सकते हैं जब तक वह जिनपिंग के सारे पर काम करते रहेंगे। जिस दिन उन्होंने आनाकानी की उनका तख्त पलट होना निश्चित है। पर मामला केवल यहां तक सीमित नहीं है। शी जिनपिंग बीआरआई के किसी भी पहलू का विरोध या उस पर सवाल खड़े होते नहीं देखना चाहते हैं। उन्हें पता है कि जिन देशों में बीआरआई खड़ा हो रहा है, अगर वहां के लोगों को उनकी स्कीम का पता लग गया तो 2050 तक दुनिया के ज्यादातर देशों को चीन का हुकूमत में लाना आसान नहीं होगा। चीन इसके लिए वहां की स्थानीय मीडिया में पानी की तरह पैसा बहा रहा है ताकि लोगों की सोच का झुकाव चीन के खिलाफ ना हो सके। जो देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं वह उन देशों को मोटा कर्ज बांट रहा है। चीन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी पैदा करके पाकिस्तान और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में जहर घोल रहा है। यानी चीन इन देशों की राजनीति और आर्थिक व्यवस्था को इस हद तक कंट्रोल कर लेना चाहता है कि इनके पास चीन की सत्ता स्वीकारने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचे। पाकिस्तान की हालत भी कमोबेश यही हो चुकी है। चीन के कर्ज के जाल में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दम तोड़ती जा रही है। हालत यह है कि उसे कर्जों का सूद चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान के ऊपर 100 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज हो चुका है, जिसमें अकेले चीन का 60 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। बड़ी बात यह है कि 23 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था वाला मदरसा मुल्क अपने संसाधन एक के बाद एक गिरवी रखता जा रहा है। प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिक पर 1,45,000 रुपए का कर्ज हो चुका है और पाक की जीडीपी का 85% कर्ज चुकाने में जा रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान की हालत पहले इतनी बुरी नहीं थी। उसने जब से चीन के बीआरआई में भागीदारी की उसके दुर्दिन शुरू हो गए। शुरुआती दिनों में चीन ने पाकिस्तान को जो सब्ज बाग दिखाए थे वह उसके जी का जंजाल बन चुके हैं। पर उसकी दिक्कत यह है कि वह चाहकर भी चीन से पीछा नहीं छुड़ा सकता है। चीन बड़ी चालाकी से उस पर इतना कर्ज लाद चुका है जिसे पाकिस्तान ना चुका सकता है और ना भविष्य में कभी चुका पाएगा। पर पाकिस्तान के जिन हुक्मरानों ने चीन की चालबाजियों को अंजाम तक पहुंचाया है उनकी तो पांचों उंगलियां मक्खन चाटेगी। चीन की दादागिरी जब पाकिस्तान में बढ़ेगी या यूं कहे कि बहुत हद तक शुरू भी हो चुकी है, यही हुक्मरान सबसे पहले पाकिस्तान को छोड़कर ब्रिटेन या सऊदी अरब की तरफ भागेंगे। पर इनकी बेवकूफियों का खामियाजा भुगतने के लिए आम पाकिस्तानी कहां जाएगा। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की कठपुतली बन चुकी चीनी मीडिया अपनी जनता को दुनिया में चीन की कारगुजारियों को नहीं बता रही है। उन्हें आज भी नहीं बताया जाता है कि वे चीनी कर्ज में कितने नीचे तक धस चुके हैं। पाकिस्तान की मीडिया में मेरा यार चीन और पाकिस्तान चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जबकि उन्हें आज भी पता नहीं है कि चीन किसी भी मुल्क का दोस्त नहीं हुआ है। शी जिनपिंग ने अगर दुनिया पर राज करने के लिए 2050 का लक्ष्य निर्धारित किया है तो उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान 2040 की आजादी का सूरज नहीं देखेगा। चीन का शिकंजा साल 2021 से और अधिक बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगले साल से पाकिस्तान को चीन को हर साल 20 करोड़ डॉलर का ब्याज देना है। सीधी सी बात है कि उसे इस सूद को लौटाने के लिए भी चीन से ही कर्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि आईएमएफ से मिलने वाले पैसे की मॉनिटरिंग हो रही है। इसलिए घूम फिरकर पाकिस्तान को अपने सदाबहार मित्र के पास ही आना होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।